राज्य भर में कम से कम 35 व्यक्तियों को वायरस से संबंधित बीमारी के लक्षण दिखने पर अस्पतालों में भर्ती किया गया है। गुरुवार को गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के मामलों से मौतों की संख्या 20 हो गई, जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया। अहमदाबाद से 2 मौतें, दोनों बच्चे, की रिपोर्ट मिली है और राज्य भर में वायरस से जुड़े लक्षणों के साथ कम से कम 35 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा परीक्षण के लिए भेजे गए 18 नमूनों में से केवल 2 नमूने चांदीपुरा वायरस के पुष्टि किए गए थे, जैसा कि पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन वायरोलॉजी के एक अज्ञात अधिकारी ने कहा। हालांकि अज्ञात जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कम से कम 20 लोगों की मौत के पीछे संक्रमण की आशंका है। चांदीपुरा वायरस, जिसे चांदीपुरा वायरल एंसेफ्लाइटिस भी कहा जाता है, मुख्य रूप से सैंडफ्लाई और मच्छरों द्वारा फैलता है, जिसमें एडीज एजिप्टी प्रजाति भी शामिल है, जो दिन में काटता है और डेंगू फैलाने के लिए भी जाना जाता है। यह संक्रमण एंसेफ्लाइटिस का कारण बन सकता है, यानी मस्तिष्क की सक्रिय ऊतकों की सूजन। 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। लक्षणों में बुखार, उल्टी, संवेदनशीलता में परिवर्तन, दौरे, दस्त, न्यूरोलॉजिकल दोष और मेनिंजियल उत्तेजना शामिल है। गुजरात में जिन मरीजों की मौत के पीछे वायरस का संदेह था, उनमें 2 बच्चे पंचमहल जिले के थे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एमआर चौधरी ने अखबार को बताया कि इन दोनों मौतों की रिपोर्ट राज्य सरकार को दी गई थी। उन्होंने कहा, चूंकि घोघंबा में बच्चे की मौत वायरस के फैलने से पहले हुई थी, इसलिए हम मरीज के नमूने नहीं ले पाए। कोटड़ा में बच्चे के मामले में हमने परीक्षण के लिए रक्त नमूने एकत्र किए हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि घोघंबा के बच्चे के पड़ोस से सैंडफ्लाई के नमूने एकत्र किए गए हैं, क्योंकि इनमें वायरस हो सकता है। ये नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में स्थिति की समीक्षा की और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उपाय करने का आदेश दिया। चांदीपुरा वायरस की खोज पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 2 व्यक्तियों के रक्त में की गई थी। इस वायरस का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां इसे अलग किया गया था। 2003 और 2004 के बीच मध्य भारत में, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, इस वायरस के प्रकोप की रिपोर्टें मिली थी। उस समय 300 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब